सर आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है प्रोफेसर सैयद शाह आलम साहब, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर को ये इजाज़ हासिल है और सर की ये काबिज़ की वजह से कि ये यूनानी का पहला हॉस्पिटल है जो NABL सर्टिफाइड है और जो लैब रन कर रहा है वो NABL सर्टिफाइड। सर की एक एक्सपर्टीज़ है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से और जो अप टू द मार्क है, जो चल रहा है करंट, उस लेवल पे लाके यूनानी को रिप्रेजेंट किया जाए। जो OPD है काफ़ी वॉल्यूमनस है, और दूसरे सर सर्जरी डिपार्टमेंट कैचुटी भी है अलहमदिल्ला। उस डिपार्टमेंट में हफ्ते में दो अंकों में समझे कि वो ऑलमोस्ट वहाँ पे सर्जरी भी हो जाती है। सर पिछली बार भी एक बार जुड़े थे वेबिनार के थ्रू, एक बार कॉलेज भी आए थे, उन्होंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को बताया था। 80+ टाइप की सर्जरी वहाँ कर पा रहे हैं यूनानी कॉलेज, यूनानी सेंटर एक्सलेंस हमारा उसको लिए। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हमारे जो गेस्ट हैं, मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हमारे गेस्ट हैं जिनका टॉपिक है हाउ टू रन OPD एंड IPD इन COVID-19 पेंडेमिक में, तो आप उनका खैर मकदम करें। और जितने भी पार्टिसिपेंट खास के जो हॉस्पिटल की तरफ से जुड़े हुए हैं, क्लिनिकल लोग जो इसमें OPD IPD में इन्वॉल्व होते हैं, आप लोग इनको सुने और जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ फेस करते हैं OPD में IPD में, कि किस तरह से पेशेंट्स को वॉल्यूमनसली हम यहाँ पर एडमिट कर सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी तादाद बढ़ा सकें, उससे रिलेटेड आप बाद में जो सेशन होगा क्वेश्चन आंसर का, वहाँ भी आप सर से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे गेस्ट का खैर अलैकुम। रेस्पेक्टेड माई गेस्ट जो है सैयद शाह आलम साहब, डॉक्टर एन जहीर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर IIM चेन्नई, सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट टीबी कॉलेज पटना, डॉक्टर तौकीद, प्रोफेसर डॉक्टर तौकीद सर, नोडल पदाधिकारी डायरेक्टर डॉक्टर तनवीर सर, और डियर स्टूडेंट जो कि वेबिनार के जरिए जुटे हुए हैं, वो सारे पार्टिसिपेंट जो आउट ऑफ द कैंपस या पूरे और इंडिया से ट्रीट हुए हैं, सबका मैं वैक्ट मतदान करते हैं, वेलकम करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट कॉल पे आपने टाइम दिया और आपने ज्वाइन करने की जहमत भी लगी। सैयद शाह साहब के बारे में जितना तनवीर साहब ने बताई दिया, मैं उसमें कुछ ऐड करने के पोजीशन में नहीं हूँ, बस थोड़ी सी बात मैं ऐड कर दूँ कि ही इज रिप्रेजेंटेड इन दैट हॉस्पिटल विच इज द एक्सल नॉट ओनली द एक्सलेंट बट ओनली बट द रिप्रेजेंटेटिव टू द जो है ऑल जो है सारे जितने कॉलेजेस हैं उनको ये गाइड भी करते हैं कि ताकि ये किस तरह से हॉस्पिटल चलाया गया। अभी आप जानते ही हैं कि पेंडेमिक में कोविड में आयुष का कितना रोल है। आयुष भी अपने तौर से डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से, डिफरेंट डिफरेंट कार्यक्रम से, डिफरेंट प्रोग्राम से, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम से, डिफरेंट लिटरेचर से सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फिजिकली भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो है प्रोग्राम से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जब फिजिकली पार्टिसिपेट करते हैं तो नेचुरली जो है COVID-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, और अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाता है। इसी को एम में रहते हुए आयुष डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम बनाया था कि अवेयरनेस जो है सभी लेवल पे हो जाना चाहिए, और कुछ उन्होंने अपने भी गाइडलाइन शेयर किए हैं, तो इंडिविजुअली सबको शेयर नहीं किया जा सकता था, इसलिए एक प्रोग्राम रख लिया गया ताकि जो लोग भी आयुष सिस्टम से जहाँ भी जिस तरह से भी कोविड कंट्रोल में लगे हुए हैं उनको एक आयुष के सिस्टम से अवेयर हो जाए और उनको जानकारी हो जाए। इसके लिए सबसे अच्छे जो हमारे जो गाइड हो सकते हैं, मैंने बताया कि वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, और डॉक्टर सैयद शाह साहब इसके एक्सपर्ट भी हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि हॉस्पिटल्स में काम करते वक्त किस तरह से जो है हम लोग जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए फिजिकली जब हम कोविड के लिए कंट्रोल में काम कर रहे होंगे। और इससे मैं समझता हूँ कि सभी लोग बेनिफिट होंगे, सभी लोग बेनिफिट होंगे, और कम से कम जो एक्सपोजर जिनका हो रहा है फिजिकली जो लोग काम कर रहे हैं वो इससे बेनिफिट होंगे। मोस्ट वेलकम करते हुए सर से रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। नोडल पदाधिकारी प्लीज। थैंक यू वेरी मच अगेन सर का शुक्रिया।
मुझे टॉपिक आज अलॉट हुआ है वो है कि किस तरह से ओपीडी और आईपीडी को हम रन करें, और अपनी सेफ्टी भी देखते हुए, अपने स्टाफ की सेफ्टी को देखते हुए, हॉस्पिटल की सेफ्टी को देखते हुए और पेशेंट की भी सेफ्टी को देखते हुए। तो सबसे पहली चीज़ है, हमको ये समझना चाहिए कि हम हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जैसे कभी जंग का कोई मौसम आ जाए कि यह जंग होनी है, तो मिलिट्री वाले भाग नहीं सकते कि जो है अब हम भाग जाएंगे, जंग होने वाली है। तो वो एक होती है नेशनल इमरजेंसी, ये भी एक नेशनल इमरजेंसी, लेकिन नेशनल हेल्थ इमरजेंसी। तो इस हेल्थ इमरजेंसी में हम सबको एक साथ ज्वाइंटली एफर्ट करना है, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, सबको अपने लेवल पे कहीं ना कहीं वर्कआउट करना होगा। तो पहले तो हम अपने को समझे, हम हेल्थ प्रोफेशनल हैं और हम हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो दो चीज़ हमारे हॉस्पिटल्स में आती हैं, कुछ हॉस्पिटल में सिर्फ हेल्थ केयर होती है, कुछ हॉस्पिटल में रिसर्चेस भी साथ साथ होती है। तो हम रिसर्च के पहलू को भी दूर करेंगे, तो उसका एक अलग टॉपिक होगा, उस पर आप लोग कोई ना कोई और उस पर एजुकेट करेगा, डिस्कस करेगा। या हम बात करेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज की। तो हेल्थ केयर सर्विसेज का जो अहम मकसद है, क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में। यहाँ जब पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक में किस तरह से, अब बहुत सी कंट्रीज कह रही है इसको एंडेमिक डिक्लेयर किया जाए, लेकिन अब बहुत बहुत रेजोल्यूशन उसमें आ रहा है, लेकिन रेडी टू मेंटेन द सेफ्टी, सबसे पहली चीज आती है सेफ्टी एंड वेल बींग ऑफ अवर कम्युनिटी एंड कंट्री एज वेल। तो पहली चीज क्या है कि हमें सेफ्टी देखना है, किसकी सेफ्टी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सेफ्टी, यानी जिस हॉस्पिटल में आप हैं, अगर सारे डॉक्टर से बीमार पड़ गए, सारे डॉक्टर ही इन्फेक्टेड हो गए, तो इलाज कौन करेगा, एक चीज। दूसरे, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ यूनानी के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें, अगर हम बात करेंगे कि एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, तो वो फिर प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे जाएंगे, वो हम कर नहीं रहे। हम सिर्फ नॉन कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन, प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर्स को अपनाएं, उस पर हम यहाँ आज बात करेंगे कि किस तरह से हम खुद को, अपनी कम्युनिटी को, उनकी सेफ्टी को और अपनी कंट्री को किस तरह से हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमें ध्यान देना होता है, नंबर 1 प्रिवेंशन, नंबर 2 रेमेडी, नंबर 3 अरेस्टिंग ऑफ द फर्दर स्प्रेड, जो भी स्प्रेड है उसको आगे चल के बढ़ने ना दिया जाए। अब ये चीज़ हमारे जब जहन में होगी, तब हम ओपीडी आईपीडी को रन करने के लायक होंगे कि ओपीडी आईपीडी को हम किस तरह रन करें। क्योंकि अक्सर होता है कि हम मास्क सही नहीं पहनते, इवन हेल्थ केयर का प्रोवाइडर होगा, मास्क यहाँ होगा या यहाँ रखा हुआ होगा, तो पेशेंट को कैसे एजुकेट करेगा, बाकी लोगों को कैसे एजुकेट करेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारी अहम जरूरियात है कि पेशेंट जो हमारे अंदर आता है, दाखिल होता है, सबसे पहले हमारा जो डेस्क है वहां पहुंचता है, या हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही वो दाखिल होगा, तो किस तरह से हमको पेशेंट को स्क्रीन करना है। तो सबसे पहले चीज, जैसे अभी भी किसी ने बात की कि फ्लू ओपीडी, या बात की कि फीवर ओपीडी, तो ये फीवर ओपीडी या फ्लू ओपीडी के नाम से एक चीज बनाई जा सकती है, हर हॉस्पिटल में हमारे यहाँ भी थी। फिर एक होता है कि उसमें चेकलिस्ट होते हैं, उसमें एक सेफ्टी असेसमेंट चेकलिस्ट, उसका पूरा फॉर्मेट पूरा भरा जाता है मरीजों से, लेकिन वो सारे मरीजों से भी भरा जा सकता है और कुछ से। इसमें क्या होता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज थोड़ी और हम उसमें इन चीजों को स्क्रीन कर लेते हैं। तो दैट इज टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। हम इंश्योर नहीं कर सकते कि हर आदमी का आरटीपीसीआर हो या हर आदमी का जो है एंटीजन हो, ये इंश्योर नहीं किया सकता, ये बहुत कॉस्टली है। बहुत सी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से मरीज बहुत ही पुअर हैं, गरीब हैं, वो नहीं करा सकते, और बहुत से लोग डर के मारे नहीं कराते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरह से हम मरीज को, जैसे ही अंदर दाखिल होता है, तो पहले उसको हम किस तरह से, जो भी वहाँ हमारे हेल्थ केयर के प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ अटेंडर्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, हेल्प डेस्क है, तो हेल्प डेस्क पर जाते जाते पेशेंट को किस तरह से वर्कआउट करना है, और हम लोगों को किस तरह वर्कआउट करना है, मैंने हमें किस तरह वर्कआउट करना है, पेशेंट को एजुकेट भी करना है साथ साथ। तो जो भी वर्किंग पीपल हैं, वो सारे सारे, अगर हम पहली बात करें कि अभी हम ओपीडी में भी इंटर नहीं हुए, सिर्फ हम जो हॉस्पिटल के डेस्क है वहां पहुंचे हैं, रिसेप्शन पे खाली पहुंचे हैं, तो किस तरह से हम इस आउटब्रेक को रोकने के लिए, वहीं से स्टार्टिंग होगी कि हमारे अंदर इन्फेक्शन जितना मैक्सिमम हो आप उसको प्रिवेंट कर सके, रोक सके, अस्पताल के अंदर दाखिल ना हो। तो जो वर्किंग पीपल है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कि उनको फेस मास्क के प्रोवाइड किया जाए, कि पता लगा कि हॉस्पिटल फिर उनको फेस मास्क ही नहीं दे रहा है, उनको पता लगा कैप नहीं दिया रहे हैं, उनको ग्लव्स नहीं दिया रहे हैं, जो भी प्रोटेक्टिव, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाए। अंटिल हम उसकी बात नहीं करेंगे पीपी किट दिया, पीपी किट नो नीड टिल डेट। पीपी किट की नीड सिर्फ वहाँ है जहाँ पास जो है कोई आईसीयू या सर्जरी है, बाकी जगह पे इसकी नीड है, अदरवाइज पीपी किट की कोई नीड नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में सिर्फ मास्क इज इनफ, मास्क, कैप एंड ग्लव्स, दैट इज इनफ। तो बहुत से लोग तो मास्क भी पहनना बेहतर नहीं समझते। तो इसमें जो हमारे जहन होना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड इंक्वायरी टेक्निक,
किसी इंसान से आप पूछेंगे तुम्हें कोविड हुआ है, कहेगा नहीं हुआ है। किसी इंसान से पूछेंगे हाँ खांसी आती है, बताएगा हाँ सर खांसी आती है। तो फ्लू लाइक सिम्टम्स है, कोविड लाइक सिम्टम्स में है नहीं। तो एक टेक्निक की तरह उनको इंक्वायरी करना होता है उनकी। आप थर्मल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है उसके लिए, थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, कुछ हद तक हम स्क्रीन कर सकते हैं, क्वेश्चन आयर कर सकते हैं। तो जो सेल्फ असेसमेंट जो कोविड गाइडलाइन है वहाँ हम इन चीज़ को काम में ला सकते हैं। तो उन असेसमेंट क्या चीज़ करनी होती है हमें, तो सबसे पहले होता है कि जो पेमेंट है उसको हम डिजिटल मोड कर दें। हर आदमी जो है नोट है रुपीज है उसमें हाथ लग रहे हैं, उसमें कोई थूक भी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, उसके बाद वो यूज़ कर रहा है, तो उसको हम डिजिटल मोड में कर दें पेमेंट को, जो भी पेमेंट है चाहे वो किसी भी तरीके से करें। और दूसरे पेशेंट को एक टाइमिंग उसकी, या तो हम पेशेंट को लिमिट करें, अगर हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट है तो उस हिसाब से ओपीडी टाइमिंग को या तो हम बढ़ाएं एक्सपेंड करें कि एक ही टाइम में रश ना हो हॉस्पिटल में, सारा मरीज एक ही टाइम में जो है वो आ गया, और जो एंट्री हो पेशेंट की वो कोशिश करें कि सिर्फ पेशेंट की एंट्री हो, अनलेस वो ऐसे को मॉर्बिड कंडीशन हो कि उसके साथ कोई एक आदमी चाहिए हो तो आप उसको एंट्री दें, अदरवाइज एंट्री मिनिमाइज की जाए। ओपीडी में हम अपने करते हैं मैक्सिमम वन अटेंडर से ज्यादा हम अलाउ नहीं करते। जो बिलोंगिंग्स उसकी है, बहुत से पेशेंट बहुत ही दूर से आएंगे तो उनकी बिलोंगिंग्स को पता लगा, अपने साथ सामान भी लेके आए हैं, बहुत सारा सामान उनके साथ है, वो सब लेके ओपीडी में आ गए, तो उसके साथ भी ये जो वायरस है ये कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि वो जिस व्हीकल से आए हैं, ऑटो से आए हैं, किसी चीज से आए, व्हीकल में हो या जहाँ वेटिंग एरिया, या उनके साथ कोई अटेंडर आया तो उसके उसके साथ उसको बाहर रख के आए, बिलोंगिंग्स को अंदर लेके ना आए। सोशल डिस्टेंसिंग है वो, चाहे वो रिसेप्शन का एरिया हो, ओपीडी का एरिया हो, जहाँ पास असेसमेंट कर रहे हैं वो एरिया हो, हर जगह मेंटेन कर रहे हैं। मिनिमम जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो 3 फीट की है, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। उस पर हम निशान लगाएं जगह जगह, उसके पार्किंग कर दें कि इस डिस्टेंस पर ही पेशेंट खड़ा होगा, लेकिन पेशेंट अपने आप नहीं खड़ा होता वहाँ, हमें किसी को ये कोई अटेंडर हो या कोई हाउस कीपिंग किसी को गाइड करना होगा, देखो भाई पेशेंट को इतने डिस्टेंस पर खड़ा करना है, पेशेंट अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो उनको बाहर रखिए, ओपन एरिया में रखिए, जब ये पेशेंट निकल जाए तब दूसरा एंट्री दीजिए आप। तो इस तरह की चीज़ों को भी हम उसमें अवॉइड टचिंग, और पेशेंट को हर वक्त ये देखते रहें, वो हर वक्त, बहुत से पेशेंट होते हैं इस चेयर पे बैठ गए, थोड़ी देर बाद उठ के दूसरी चेयर पे बैठ गए, वहां से उठे तीसरी चेयर पे बैठ गए, तो ज़्यादातर वो टचिंग को अवॉइड करें, पेशेंट भी करें और हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम खुद भी करें, कि हम हर चीज़ को टच ना करें, वॉल को टच ना करें, डेस्क को बार बार टच ना करें, हम प्लेटफॉर्म को टच ना करें, हम बार बार जो है हैंडल है, नॉब्स है, ये सब चीज़ों को हम टच करने को अवॉइड करें। स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के जो स्टेप्स हैं उसको हम ना टच करें बार बार। उसे डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की भी कोशिश की जाए कि वो ऑनलाइन कर दिया, कि वो ऑनलाइन रहे, कि उसको व्हाट्सएप पे भेज दो, उस मरीज का नंबर ले लिया, उसको व्हाट्सएप पे उसकी रिपोर्ट भेज दिया और डॉक्टर को इंश्योर कर दिया कि आप व्हाट्सएप पे चेक करिए उसकी रिपोर्ट। तो ये तो एक डेस्क का जो जो एरिया है, उस डेस्क के एरिया पे हम इन सब सब चीज़ों को हमें करना चाहिए, और इसका डाटा हमारे तो मेरे ख्याल से थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स के डाटा के हम कलेक्ट हो चुके हैं अब तक, कितने लोगों को फीवर था, कितने लोगों को नहीं था। फिर अगर कोई फीवर किसी को होता है डिटेक्ट थर्मल स्क्रीनिंग में, इवन हम पल्स ऑक्सीमीटरी भी कराते हैं कि हाइपी हाइपोक्सिया, किसी को हाइपी हाइपोक्सिया है और वो मालूम, तो हर पेशेंट का पल्स ऑक्सीमीटरी गेट पे एंट्री होते ही थर्मल स्क्रीनिंग, पल्स ऑक्सीमीटरी, उसके बाद अंदर आएगा वो चेकलिस्ट फिल करेगा, अगर उसमें से भी ठीक है तो। अब चेकलिस्ट में जो चीज़ें हमें देखनी है वो है कि इंटरनेशनल ट्रैवल तो नहीं किया उसने विद इन 14 डेज, अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है, बहुत से पेशेंट अवॉइड कर जाएंगे, फीवर लाइक सिम्टम्स है, सोर थ्रोट है, कफ है, फीवर है, वो चीज़ें हैं कि नहीं है, किसी के कॉन्टेक्ट में तो नहीं आया है लास्ट 14 डेज में जो कोविड पॉजिटिव रहा हो, तो ये एक उसमें सेफ्टी चेकलिस्ट है, गाइडलाइन है जो हमें फॉलो करना चाहिए, और हम यूनानी हॉस्पिटल में फॉलो कर सकते हैं, यहाँ हमारे यहाँ होते ही ये चीज़ फॉलो, और इस तरह फॉलो करते हैं। हमने अपना हॉस्पिटल इसीलिए पूरे भी कोविड में क्लोज नहीं किया, फर्स्ट वेव में सिर्फ आईपीडी और प्रोसीजर हुए थे क्लोज चंद दिन के लिए, और उसके बाद फिर वो हमने स्टार्ट कर दिया, और अभी तक वो क्लोज नहीं है कोई भी ओपीडी, तो कभी भी नहीं हुई ना फर्स्ट में ना सेकंड में ना ना अब। तो विद प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन हम सारी चीज को विद इन द अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब वही बात आई ओपीडी में, अब ओपीडी में एंट्री हो रही है, तो ओपीडी में एंट्री हुई तो डॉक्टर्स हैं या वहाँ अटेंडर्स हैं या वहाँ सिस्टर्स हैं जो भी हैं वहाँ मौजूद, वो सब जो पीपीई से बिल्कुल लेस हो। दूसरी एक चीज और थोड़ी सी रह गई इसमें कि इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम हॉस्पिटल प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर हैं या हम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो हमें कम से कम अपने एम्प्लाइज की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, इससे सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं, प्लस सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यूनानी हॉस्पिटल से आमतौर से खानापूरी होती है या होता नहीं है, ये चीज़ें हैं तो इनको बहुत ही स्ट्रिक्टली लिया जाना चाहिए सैनिटाइजेशन का। और सैनिटाइजेशन का जो वैसे मॉड्यूल है वो है कि कम से कम हर 4 घंटे पे एक बार सैनिटाइज किया जाए एरिया को, मॉपिंग हो, वो सारी चीज़ें जो चीज़
टच होती हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से 1%, 2%, 5%, इट्स डिपेंड अपॉन द नीड बेस कि कैसा हमें कराना है, तो उनको हम कॉन्टैक्ट दे सकते हैं और उनसे कराया जा सकता है। हम अपने सैनिटाइज कराते हैं 2 times, एक बिफोर ओपनिंग द ओपीडी, ओपीडी के ओपन होने से पहले सारी ओपीडी होती हैं और फिर ओपीडी क्लोज होने के बाद होती है कि नेक्स्ट डे जब हो तो वो फिर क्लोज है। मॉपिंग जितने भी हैंडल्स हैं, जितने भी नॉब्स हैं, जितने भी चेयर के हैंडल्स हैं, चेयर्स हैं, टेबल है, टेबल का प्लेटफॉर्म है, जितने डेस्क हैं, जितने भी स्टेयर्स हैं, लिफ्ट है, लिफ्ट बटन है, जितने ये सारे की चीज़ें जो है मॉप होनी चाहिए हर 2 hourly, इनकी मॉपिंग की जाए जिससे स्टाफ और पेशेंट दोनों ही सेफ रहें। दूसरे, हर जगह सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल हो, जगह जगह सैनिटाइजर रखे हों, जो चाहे वो यूज़ कर सकता है और हम उसको एजुकेट भी करें ओपीडी में जाने से पहले, दैट मीन्स कि पेशेंट जो है वो प्रॉपरली हर चीज़ से मैनेज्ड हो, उसके बाद ओपीडी में उसकी एंट्री होनी चाहिए। इवन जो हमारा ओपीडी, तो एक रूम है, ओपीडी के बाहर का जो स्पेस होगा, जो कवर्ड स्पेस है जहाँ पेशेंट का वेटिंग एरिया, वो सब सैनिटाइज होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और बात करूँ, कॉमन टॉयलेट्स का यूज़ जितना कम हो उतना बेहतर है, क्योंकि इसके जो इन द फॉर्म ऑफ एरोसॉल, ये फिकल मैटर के जरिए, ये जो है गैस पास होने के जरिए भी ये चीज़ फैल सकती है बीमारी, इसको भी हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जितना कम से कम हो, कोई इमरजेंसी करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने कम से कम हो वो कॉमन टॉयलेट का यूज़ ना किया जाए तो बेहतर है। तो पेशेंट जो भी हैं उनको भी एजुकेटेड करना होगा कि भाई कम से कम, पेशेंट मास्क नहीं लगाए हुए और हम मास्क लगाए हुए हैं तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमने तो मास्क लगाए, इसे भी एक साहब भी बैठे हुए, इन्होंने आधा मास्क यहाँ कर रखा है, तो जबकि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक प्लेस में है, मास्क यहाँ लगा हुआ है, मास्क यहाँ लगा हुआ है, तो देर इज नो वैल्यू, नो नीड। तो जो एक तरीका है, जुडिशियल तरीका है मास्क को, मतलब प्रॉपर वियरिंग ऑफ मास्क, और उसकी बाहर भी, आपके हॉस्पिटल के बाहर भी, ओपीडी प्राइमिसेस में एक बाकायदा डू एंड डोंट्स और बाकायदा मास्क पहनने का तरीका, सैनिटेशन का तरीका, वो सब चीज़ें जो है एक डिस्प्ले होना चाहिए जिससे पेशेंट देख के उसको समझ सके और हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर वर्कर्स भी बार बार रिपीटेडली उसको देख देख के समझ सके कि वो किस तरह से होगा, किस तरह से होना चाहिए। पेशेंट अगर ओपीडी में मौजूद है तो वो कोशिश करें कि पेशेंट का जितना कम से कम इंटीमेट हो उतना बेहतर है, जितना कम से कम, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, इलेक्टिव केसेस आते हैं, हमारे इमरजेंसी केसेस नहीं है, इमरजेंसी केसेस की कोई रूल नहीं है, उसमें आप पीपी किट पहनिए, कुछ भी पहनिए, जो चीज़ चाहिए, हमारा पीपी किट भी है, अगर कोई ऐसा केस होता है हम उसको हम प्रोवाइड करते हैं, वो आप लीजिए और वर्कआउट करिए, वर्कआउट से आप इनकार नहीं कर सकते। तो अब वहाँ पेशेंट की डिस्टेंस कम से कम आप 6 feet रखिए, 3 to 6 feet के दरमियान जहाँ पेशेंट बैठा हो, पेशेंट को बहुत करीब मत बैठाइए कि वो जो बोल रहा है मुंह के एरोसोल्स भी आप तक आ रहे हैं, कोई पेशेंट बार बार बोलेगा, ऊपर करेगा, नीचे करेगा, आप देखते हो अक्सर ओपीडी के प्रैक्टिस में, तो इन चीज़ों को पहले तो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए कि खुद अपने को भी सेफ करिए, सबसे ज़्यादा पहले अपने सेफ करिए, बाद में पेशेंट की बात आएगी। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सेफ्टी की यहाँ सबसे अहम बात है, तभी आप रन कर पाएंगे कोई हॉस्पिटल, कि आप लोग कम से कम बीमार पड़े, हम लोग कम से कम जो है बीमार पड़े और सेहतमंद रहें। दूसरी चीज़ है एग्जामिनेशन, जितना मैक्सिमम थर्मामीटर को मुंह के अंदर प्लेस ना करें, जितना हो एक्सिलरी लें, इसके अलावा बीपी जितना कम से कम अवॉइड करें, अनटिल पेशेंट हाइपरटेंसिव हो और नीड हो। इसके अलावा पर रेक्टल एग्जामिनेशन कम से कम करें, ओपीडी में अवॉइड करें पर रेक्टल एग्जामिनेशन, जिससे फैलने का अंदेशा होता है कोविड का, कोविड जो है वो गैसेस से भी फैल सकता है, तो इसलिए उसको भी कम से कम किया, जहाँ अननेसेसरी बिल्कुल डायर नीड हो, नहीं नीड है एग्जामिन करने की, वहाँ उसको एग्जामिन वहाँ किया जाए। हाँ, एब्डोमिन एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो इन सब चीज़ों को हमें ओपीडी में ध्यान रखना होता है। बहुत ज़्यादा जैसे आप पर्चे को छूते हैं तो उसके भी सैनिटाइजेशन यूनिट आती है, उसमें आप पेपर को डाल के सैनिटाइज करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं है चलिए कोई बात नहीं, आप कम से कम सैनिटाइजर वहाँ बार बार आप यूज़ करें, या हैंड वॉश, सबसे बेस्ट है सैनिटाइजर, बेस्ट है हैंड वॉश, जितना मल्टीपल हैंड वॉश करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, आप उसको हैंड वॉश करते रहें। तो ये तो एक बात होगी कि रिसेप्शन में किस तरह वर्कआउट करेंगे, फिर किस तरह से ये वर्कआउट होगा कि ओपीडी में किस तरह से हम वर्कआउट करेंगे, ओपीडी में चूंकि हमारे यहाँ इलेक्टिव केसेस हैं तो उसमें जो एग्जामिनेशन को मिनिमाइज करें, मैक्सिमाइज ना करें कि हर पेशेंट को हमें एग्जामिन करना ही करना है, डेफिनेटली करना है। अब उसका ओरल कैविटी खोल के देख रहे हैं, उसको फरिंजाइटिस है कि नहीं है, वो ब्रीथ कर रहा है आपके मुंह पर, क्योंकि आप बहुत डिस्टेंस उसको नहीं देख पाएंगे, आप नेजल कैविटी एग्जामिन कर रहे हैं बहुत करीब से, तो इन चीज़ों को जितना मिनिमाइज कर सकें उतना बेहतर होगा, क्योंकि बगैर इसके जो है आपके लिए काफ़ी परेशानी होगी अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कोई भी हो तो उसको फौरन हमें रेफर करना है प्रॉपर सेंटर पे, कि कहाँ जाएगा, किस तरह से जाएगा, उसको आपने इन्वेस्टमेंट भी करना है, इंफॉर्मेशन भी देनी है कि जिससे से हम स्प्रेड को मैक्सिमम रोक सकें। तो स्प्रेड को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्प्रेड को आप नहीं रोक पाए, उसमें दिक्कत आई, तब प्रॉब्लम जो है वो आगे चल के बढ़ेगी। अब बात आती है कि
हम जो हेल्थ केयर वर्कर्स वहाँ हैं, ओपीडी में हों या आईपीडी में हों, उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक रोल है कि उनको बाकायदा ये बताया जाए किस तरह से वो एजुकेट करेंगे पेशेंट को, किस तरह से खुद भी एजुकेट होंगे। हमारे मैक्सिमम, मेरे ख्याल से 90% पर्सनल ऐसे हैं हेल्थ केयर वर्कर जिनको हैंड वॉश नहीं आता, हैंड वॉश में कितने स्टेप्स है नहीं पता, हैंड वॉश कितनी देर करना चाहिए नहीं मालूम। तो अगर आप उस चीज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलाइए कि हर वीकली उनकी अवेयरनेस हो, हर वीकली अवेयरनेस हो कि उनको किस तरह से अगर हम ट्रेंड किया जाए कि हैंड वॉश कैसे करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, मास्क की वियरिंग कैसी होगी, मास्क को टच कहाँ से करेंगे, मास्क है मास्क का कौन सा पोर्शन, अब मास्क मेरे पास होता है इसमें देखिए दो पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन इधर होता है एक पोर्शन इधर होता है, अब किस तरफ लगाना है मुझे, हमें ये भी नहीं पता होता है। तो ये भी एक गाइडलाइन है कि आपको मास्क कैसे लगाना है, किसी ने उल्टा लगा रखा है किसी ने सीधा लगा रखा है, लेकिन दोनों ही मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन एक क्या कर रहा है, एक इन्फेक्शन एक का रुक रहा है, एक एक इन्फेक्शन फैला रहा है मास्क लगाने से ही। तो इन चीज़ों को भी हमें बकायदा हर चीज़ मौजूद है नेट पे, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि मास्क कैसे लगाना है, कहाँ टच करना है मास्क को, अपनी इन्फेक्शन खुद ही ले लिए, ओपीडी में बैठे हैं 4 बार टच किए उतारे और लगा लिए और अपनी इन्फेक्शन खुद ही रिसीव कर लिए। तो इन सब चीज़ों को भी एजुकेट करना है हमें, अपने एम्प्लाइज को एजुकेट करना है कि आप मास्क टॉयलेट का यूज ना करें जितना भी हो सके, जितना स्पेसिफिक टॉयलेट हो कि हाँ कि हम 4 टीचर जाते हैं बस चलो उसको हम यूज कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट में पेशेंट टॉयलेट में उसको हम यूज ना करें। इसी तरह से जितना से कम वो मास्क ओपन करें पानी पीने के लिए या खाना खाने के लिए ड्यूटी टाइम पे, अगर करते हैं तो बाकायदा हैंड वॉश करें, प्रॉपर प्लेस पे जाएं वहां जाके उसको वर्कआउट करें। इसी तरह से अगर हम हॉस्पिटल के ओपीडी सिस्टम को फ्यूचर में डिजिटाइज कर दें, क्योंकि ये नीड हो रही है आगे चल के फ्यूचर में कि पेशेंट पता लगा ओपीडी के सामने लाइन लगाए हुए खड़ा हुआ है, तो पेशेंट को लाइन न लगाना पड़े, पेशेंट अपने जहाँ भी बैठा हुआ है एक चेयर छोड़ के बैठा हुआ है डिस्टेंसिंग में बैठा हुआ है, उसका जब नंबर आए तब वो यहाँ जाके कहीं दिखाए और चला जाए, जिससे क्या होगा पेशेंट की एक तो भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी, दूसरे बहुत करीब करीब नहीं आएंगे, डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी ऑटोमेटिकली। और जो पर्चा सिस्टम है ये भी डिजिटल हो जाना चाहिए, बस सिर्फ आप कोडिंग है, आपका नंबर आया आप वहाँ जाइए दिखाइए, उसका लास्ट में जहाँ से आप जो है दवा लेंगे वहाँ आपको जो है पर्चा मिल जाना चाहिए, वहाँ से आप निकल जाएंगे। इन सब चीज़ में पैसे की कोई कमी नहीं होती किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, खास तौर से ना प्राइवेट में होती कमी, बस ये होता है ये करने का एक जज्बा होता है वो कम होता है, अगर उसमें कुछ लोग ये हो जाए कि नहीं मुझे काम करना है और लग के, और तो वो सब काम हो जाते हैं बहुत आसानी से। दूसरी चीज़ है, अब हम बात करेंगे आईपीडी की। अब हम आईपीडी में अगर हम इंटर कर गए तो आईपीडी में जो चीज़ें बाकी प्रिवेंशन प्रिकॉशन वो सारी चीज़ें सेम है, अब यहाँ हमें एजुकेट करना है कि पेशेंट के साथ एडमिट, एक तो एडमिशन को मिनिमाइज करें मैक्सिमाइज ना करें इन द एरा ऑफ पेंडेमिक, जब तक पेंडेमिक है। क्यों कहना चाह रहा हूँ मिनिमाइज करें, कि अब सिंपल सर में दर्द आ गया उसको एडमिट मत करिए भाई, वो घर पर ट्रीटमेंट उसका हो सकता है, लेकिन एक पेशेंट सीवियर एबडोमिनल पेन लेके आए तो उसको एडमिट कर सकते हैं, उसको करिए एडमिट, लेकिन एडमिट करने कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करिए जिससे हम अपने इम्प्लाइज को सेव करें। जैसे हम अपने क्या करते हैं कि जो पेशेंट है उसका आरटीपीसीआर चाहिए विद इन 72 आवर्स, और पेशेंट के साथ जो अटेंडर आएगा उसका या तो आरटीपीसीआर लाइए 72 आवर्स का, या फाइनल डोज ऑफ कोविड-19 जिसका 15 डेज पास हो गया, और उसके अलावा कोई विजिटर्स अलाउड नहीं होंगे। तो पहली चीज इन चीज को ध्यान रखें कि विजिटर्स अलाउड ना हो, फिर उसको एक पास इशू हो जाता है कि वही आएगा दूसरा नहीं आएगा, जो विजिटर होगा पास उसी के पास होगा, विजिटर नहीं आएगा, अगर वो छोड़ के जाता है तो मरीज को भी डिस्चार्ज कर दो, उसकी देखभाल कौन करेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है जब तक पैंडेमिक है, एजुकेट करना है कि कोई दूसरा आदमी ना आए, एजुकेट करना है जो अटेंडर हो बार बार बाहर ना जाए विजिट करे, बाहर जाके फिर अंदर आ रहा, बाहर जा रहा अंदर आ रहा, ये काम कर रहा है, अनलेस वो हॉस्पिटल उसको पेशेंट रिलेटेड कोई वर्क हो, पेशेंट का मेडिसिन लाना है, पेशेंट को कुछ और करना है उसके लिए वो जा रहा हो, लेकिन बार बार वो फ्रिक्वेंटली घर जा रहा है, सुबह गया रात भी नहीं आया 2 दिन बाद आ रहा है, तो इन सब चीजों को आपको रोकना है, पेशेंट को एजुकेट करना है। देखिए अभी एडमिट मत होइए, अगर वाकई ऐसा जरूरत है ठीक है आप एडमिट होइए, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल ये है इस तरह से एडमिट होइए कि उनका आरटीपीसीआर मैंडेटरी हो, कि आरटीपीसीआर कम से कम करा, आरटीपीसीआर को 100% नहीं है कि नहीं हो, लेकिन कम से कम, क्योंकि आरटीपीसीआर में हमें देखना होता है थ्रेशोल्ड, सीटी वैल्यू कितनी है, सीटी वैल्यू ज्यादा है तो भाई ठीक है आरटीपीसीआर उसकी वायलेंसी कम है, लेकिन सीटी वैल्यू कम है तो दैट मीन्स वायलेंसी उसकी बहुत ज्यादा है, तो सीटी वैल्यू पे डिपेंड करता है, हम सीटी वैल्यू कौन कराता है कौन देखता है कुछ नहीं करता, आरटीपीसीआर निगेटिव आया चलो भाई एडमिट कर दो, 2 दिन बाद तो पॉजिटिव हो गया। दूसरे कोविड कंसेंट लीजिए, जो भी पेशेंट एडमिट करिए उसकी कोविड कंसेंट लीजिए, मस्ट टू डू है, कोविड कंसेंट इसलिए ले लीजिए कल को कोई पेशेंट आपके ऊपर दावा कर सकता है कि हम तो यहाँ निगेटिव रिपोर्ट लेके आए थे और हम पॉजिटिव हो गए, हम तो निगेटिव रिपोर्ट लेकर आए थे लेकिन हम पॉजिटिव हो गए, तो उसके लिए आप कोविड कंसेंट लीजिए। अगर आप तो कोविड फ्यूचर में अगर यहाँ रहने के बाद यहाँ से जाने के बाद किसी भी अवस्था में अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल के स्टाफ या प्रशासन की नहीं होगी, इन सब कंडीशन के बाद अगर वो एडमिट होना चाहता है तो एडमिट हो।
लेकिन एडमिशन को रोकेंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे कि एडमिशन को बंद कर दिया, क्योंकि जो बेचारे नॉन कोविड पेशेंट तो मैक्सिमम है ना, तो नॉन कोविड पेशेंट को किस तरह से हम ट्रीट करेंगे वो हमें देखना है। फिर आईपीडी को भी हमें इसी तरह से सैनिटाइज करना है, प्रॉपरली सैनिटाइज करना है। पेशेंट के बेड के बीच में डिस्टेंस भी 3 to 6 feet कम से कम रखा जाए, यानी बेड की स्ट्रेंथ से हमारी 180 है तो हमने बेड की स्ट्रेंथ कर दी 140, बेड को हमने बीच में स्पेस को बढ़ा दिया। फिर वार्ड में भी वो रहेंगे तो मास्क लगा के रहेंगे हर वक्त, सिर्फ खाने के टाइम वो मास्क हटाएंगे, आपस में गॉसिप नहीं करेंगे कि बैठे हैं जगह आके चौपाल लगा ली वार्ड के अंदर, तो वो सिस्टर या जो भी है वहाँ मौजूद है वो सिर्फ कस्टोडियन है, क्योंकि सिस्टर को भी बचना है बीमारी से, बाकी लोगों को भी बचना है बीमारी से। तो हम ट्रीटमेंट से इनकार नहीं कर सकते कि ट्रीटमेंट नहीं देंगे या ट्रीटमेंट नहीं होगा। पेशेंट अगर विलिंग है कि हाँ इससे एडमिट करके इलाज करना चाहता है तो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन उसमें विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप विजिलेंट नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो पेशेंट का अटेंडर की ज़रूरत है, पेशेंट को जो है वहाँ सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, वहाँ बेड की जो स्पेस है उसकी ज़रूरत है। तीसरी चीज़ आती है वहाँ का जो टॉयलेट्स हैं वार्ड के, वो प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, हर 2 घंटे उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए। वहाँ के हैंडल्स हैं, वहाँ के टैप्स हैं, वहाँ के टॉयलेट्स हैं, वो सब चीज़ें क्लीन हो, वेल वेंटिलेटेड हो। अगर वेंटिलेशन नहीं है तो उसमें एग्जॉस्ट है, बाकी कोई वेंटिलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अगर एसी लगा हो किसी ओपीडी में तो उसको स्टॉप कर दिया है जब तक कि ये प्रोविजन चल रहा है, तो एसी वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना तो वहाँ ओपीडी में, ना कहीं आईपीडी में, ना किसी और जगह। सिर्फ प्रोसीजर रूम के लिए छूट है कि जहाँ पास नीड है वहाँ वो खाली रहेगी, इसके अलावा कहीं उसकी छूट। अब तो ये है कि अगर सीवियर केसेस में जो हायर सेंटर है जहाँ पास कोविड ट्रीटमेंट होता है वहाँ आईसीयू में भी एसी नहीं, वहाँ आईसीयू में भी एसी को ब्लॉक किया जाता है कि इसको बंद कर दें, क्योंकि एसी के थ्रू भी वायरस ग्रो करते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ। इसके अलावा हमारे अगर स्टाफ में भी किसी को रेस्पिरेटरी या फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है तो उनका रिपीटेडली फॉरन कैंप टेस्ट कराया जाए, जैसे कि गवर्नमेंट गाइडलाइन है, उनको छुट्टी भी दी जा सकती है 1 हफ्ते की अगर वो कोविड पॉजिटिव आते हैं। और हम बाकायदा हमें शेड्यूल बनाया, और शेड्यूल बना के हॉस्पिटल यह कब रिपोर्ट करें हमारे कितने पेशेंट, कितने एम्प्लाइज हैं जो पॉजिटिव हैं, कितने एम्प्लाई हैं जो कॉन्टैक्ट में आए हैं किसी ससेप्टेबल हैं, और कितने एम्प्लॉय फ्लू लाइक सिम्टम्स को लेके एबसेंट हैं जो ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं, तो वो उनकी भी एक बाकायदा रोस्टर बने, उनका शेड्यूल बने, और उसके ज़रिए जो है जो हम लोग यहाँ करते हैं इस तरह से कि 3 शेड्यूल बना रखा है कि पेशेंट जो भी एम्प्लॉयज हैं वो कौन कोविड पॉजिटिव हैं और जिसकी वजह से नहीं आ रहे हैं, और कौन लोग हैं जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से नहीं आ रहे हैं, और तीसरी कैटेगरी होती है कि जो लोग किसी के कॉन्टेक्ट में आए हों और वो कोविड के पॉजिटिव हुआ हो और उसका उनके पास प्रूफ हो जिसकी वजह से वो ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं, तो उनको हम 1 वीक का रिलैक्सेशन उसमें देते हैं विद सैलरी। पहले 14 डेज था लेकिन अब जो है 7 डेज। तो अब तीसरी चीज़ इसमें आती है किचन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर हम किचन से भी इन्फेक्शन फैलने के काफ़ी चांसेस होते हैं, जो हम हॉस्पिटल किचन होते हैं या प्रोवाइड कराते हैं कहीं बाहर से, जो हम ठेके पे या उस पर ले लेते हैं कि किस तरह से हम इनको खाना प्रोवाइड करेंगे मरीजों को, और तो उसमें किचन का जो सैनिटाइजेशन है, किचन का जो पर्सनल प्रॉपर हाइजीन है, वो किचन कमेटी जो है वो उसको प्रॉपर विजिलेंट हो और उसको बाकायदा देखे कि वहाँ के जो पर्सनल्स वर्कआउट कर रहे हैं वो प्रॉपर कोविड पॉजिटिव है कि नहीं, फ्लू लाइक सिम्टम्स उनमें है कि नहीं है, उनके जो मटेरियल आ रहा है वो मटेरियल प्रॉपर वॉश हो रहा है, क्लीन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुक्ड हो रहा है प्रॉपर नहीं कुक्ड हो रहा है, उसकी पैकिंग कैसी है, फिर वो किस तरह से सप्लाई होगा बेड टू बेड, किस तरह सप्लाई होगा, फिर उसका डिस्पोज ऑफ, ये एक तरीका है पूरा किस तरह से इसको हमें करना चाहिए, तो उस तरह से हमें एक फॉलोअप में उसको रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। तो एक गाइडलाइन होगी कि किस तरह से रिसेप्शन पे हम किस तरह गाइडलाइन अपनाएंगे, फिर एक गाइडलाइन होगी कि ओपीडी में किस तरह से हम रन करें और उसको गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जिससे हम खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें और स्प्रेड को भी रोकें और कंट्री के लिए और बाकी कम्युनिटी के लिए हम अपने को बेटर प्रूव कर सकें। तीसरी गाइडलाइन होगी विजिटर्स गाइडलाइन की, विजिटर किस तरह आएंगे, किस तरह से रहेंगे, किस तरह से होना चाहिए, एक्स्ट्रा विजिटर्स आएंगे नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें आपसे बात हुई उस पर डिस्कशन हुआ कि किस तरह से हम कर सकते हैं। फिर आईपीडी में किस तरह से पेशेंट को हमें मॉनिटर करना है, देखना है कि बार बार पेशेंट तो नहीं बाहर जा रहा है, बार बार छुट्टी लेके, तो छुट्टी नहीं देनी है आपको किसी को, ना ही पेशेंट को, ना ही विजिटर को अलाउ करना बाहर, ना कोई बाहर से और एक्स्ट्रा कोई अंदर आएगा। किचन की बात करें, किचन की किस तरह से गाइडलाइन, तो विजिटर गाइडलाइन होगी, किचन गाइडलाइन है, ओपीडी गाइडलाइन है, रिसेप्शन गाइडलाइन है, तो ये सारी गाइडलाइन है। फिर उनकी असेसमेंट गाइडलाइन है, तो वो सारी गाइडलाइंस को कंप्लीट करने के बाद तब हम जो है आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। फिर इनका जो बायोमेडिकल वेस्ट जितना भी डिस्पोज ऑफ हो रहा है, बहुत से हॉस्पिटल में सिर्फ आईपीडी ओपीडी देते हैं, बहुत से हैं जो ओटी और मेटर्निटी देते हैं, बहुत से हैं जो इमरजेंसीज भी दे रहे हैं, तो उन सब में बायोमेडिकल वेस्ट कहीं कहीं निकलता है। तो प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट कमेटी बनी हो, और बायोमेडिकल वेस्ट कमेटी में जो उसका एक डिस्पोजेबल बैग, जो एलोकेटेड बैग है, उसमें उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसके बाद किस तरह से हैंड वॉशिंग की जाए, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो और उसकी तरह से उनको
वफादार किया है। दूसरा ये कि बच्चों को विजिटर के तौर पर बिल्कुल अलाउ ना करें, खास तौर से 18 साल से ऊपर हो उन्हीं को विजिटर बनाया जाए और 18 साल से नीचे वालों को बिल्कुल भी अलाउ ना करें कि वो हॉस्पिटल में किसी एज ए विजिटर वो एंट्री करें। एज ए पेशेंट तो कहीं एंट्री कर सकते हैं लेकिन एज ए विजिटर वो एंट्री ना करें। हाँ, विजिटर्स अगर कोई बाहर से मिलने आते हैं तो उनके लिए तरीका ये अपनाया जा सकता है कि जो कि बहुत से हॉस्पिटल अपना रहे हैं और उसमें ये कि हम उनको एक विजिटिंग टाइम दे देते हैं कि आप जो है फॉर एग्जांपल कि 4 से 6 आप मिल सकते हैं या 1 घंटे का टाइम दे, ज़्यादा टाइम कम से कम टाइम दिया जाता है कि 1 घंटे का टाइम है आप मिल सकते हैं। उसमें सर्जन्स गाउन जो बाहर है 50-60-70 रुपये का मिल जाता है गाउन, वो पहन के आए, पूरा कवर्ड करें, कवर्ड करके वो जाएँ, फिर प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें एज पर बायोमेडिकल वेस्ट। लेकिन उसमें भी एक साथ बहुत विजिटर्स नहीं जाएंगे, एक साथ जो है एक पेशेंट लिए एक ही विजिटर जा सकता है, वो विजिटर इस तरह से हम उसको अलाउ कर देंगे, लेकिन चिल्ड्रंस एज ए विजिटर्स अलाउड नहीं होंगे इस केस में भी। और विजिटर्स का बाकायदा बैच या कार्ड जो भी हो उसको बाकायदा जो है रजिस्टर किया जाए और इसी तरह से हम इसको जो है बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये सारी चीज़ें हो गई, प्रोटेक्टिव गियर्स किस तरह से यूज़ करेंगे, बाकी सब यूज़ करने का अपना एक तरीका है, और अगर हम इन सब चीज़ों को प्रॉपर यूज़ करना ही नहीं आएगा तो हम अपनी चीज़ से खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं। दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट गाइडलाइन क्या होगी हमारी। ट्रांसपोर्ट गाइडलाइन मान लिए बहुत से हॉस्पिटल में एम्बुलेंस होती है मरीज़ को भेजने के लिए, मान लिए किसी मरीज को भेजना ही पड़ गया, किसी को फ्लू लाइक सिम्टम्स हो गए, किसी को ऐसी चीज़ें होंगी तो किस तरह से भेजना है, तो किसी में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो उनकी भी गाइडलाइन होगी कि वो सरकारी किसी एम्बुलेंस से भेजेंगे या किसी हॉस्पिटल से उनका टाई अप है जो यहाँ से गाड़ियाँ आएंगी उनको ले जाएंगी। फिर अगर आपका अपनी गाड़ी है तो वेल इक्विप्ड है कि नहीं, उसमें स्ट्रेचर है कि नहीं, चेयर है कि नहीं है, और जो लोग उसमें मौजूद हैं और गाड़ी को डिसइंफेक्टेंट हर पेशेंट के ट्रांसफर के बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका रिकॉर्ड होगा, पूरा रजिस्टर होना चाहिए। और जो उसमें एम्बुलेंस अटेंडर हैं या एम्बुलेंस सिस्टर हैं या एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, ये सब के सब वैक्सीनेटेड हों, ये सब के सब जो है सैनिटाइज हों, और जितने वर्कर हों बेहतर है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सब के सब वैक्सीनेटेड हों मैक्सिमम सेफ्टी के लिए। जो उसमें नेजल ऑक्सीजन प्रोब हैं वो मल्टीपल टाइम यूज ना करें कि एक मरीज को यूज़ कर लिया फिर दूसरे को भी यूज़ कर लिया, तो कम से कम उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर इससे या मास्क है, डिस्पोजेबल मास्क है, तो उसको रीयूज ना करें और इक्विपमेंट रजिस्टर को बाकायदा यूज करें, और जो भी डिस्पोजल बचे उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, पीपीई किट पहन कर रहे हैं जो भी ड्राइवर और बाकी लोग जो उस पर होंगे एम्बुलेंस पर, तो ये गाइडलाइन वहाँ की आएगी। अब अगर कहीं ओटी है वहाँ की गाइडलाइन है, वहाँ आपको पूरा पीपीई किट वेयर करना है, पीपी अगर ओटी में कोई प्रोसीजर कर रहे हैं चाहे वो लोकल प्रोसीजर क्यों ना हो तो आरटीपीसीआर जरूरी है, मस्ट है। इसी तरह से इन एन इमरजेंसी सिर्फ ऑप्स में छूट दी गई है, इन एन इमरजेंसी डिलीवरीज में छूट दी गई है कि वहाँ अगर है तो इमरजेंसी में आप डिलीवरी कर सकते हैं, अगर आरटीपीसीआर नहीं है जब भी, क्योंकि वहाँ एक इमरजेंसी कंडीशन है, बाकी जगहों पे इसकी छूट नहीं है पेशेंट, क्योंकि हमें ओटी को जो है वो इन्फेक्शन प्रूफ रखना है। जो एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मॉनिटर करती है और देखती भी है। तो फिर सबसे अहम चीज़ है वहाँ का भी वही डिस्पोजल, किस तरह से हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो बनता है वो सिस्टर्स का बनता है, जो वार्ड बॉय हैं और खासतौर से हाउसकीपिंग्स का बनता है, क्योंकि हाउसकीपिंग और सिस्टर्स और वार्ड बॉय बहुत करीब तर होते हैं, फिर डॉक्टर्स होते हैं करीब तर पेशेंट के। तो डॉक्टर्स तो एक पेशेंट देखे चले गए लेकिन सिस्टर्स हर वक्त उनके साथ हैं, वार्ड में हैं, बाकी जगहों पर हैं, वार्ड बॉय उनके साथ में है। इसके अलावा हाउसकीपिंग की उनकी ड्यूटी 8 घंटे की वार्ड में है, तो वार्ड में है वो टॉयलेट भी क्लीन कर रहे हैं, बाकी चीज़ भी साफ कर रहे हैं, तो उनको इन्फेक्शन चांस ज़्यादा है। तो और अक्सर देखो इन्हीं लोग सबसे ज़्यादा जो है अवॉइड करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और खुद बीमार होते हैं 10 को और बीमार करेंगे। तो इसलिए बेटर ये है कि वो प्रॉपर उनको ट्रेनिंग बहुत होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है कि उनको किस तरह ट्रेनिंग दी जाए, उनकी गाइडलाइन की जाए, उनको बार बार मॉनिटरिंग की जाए, उनको चेक किया जाए, उनके रजिस्टर मेंटेन हो, कौन नहीं कर रहा है उनके पनिशमेंट भी उनके डिक्लेयर हो, तभी ये चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। फार्मेसी गाइडलाइन है कि किस तरह से हम फार्मेसी में जो है जो नेसेसरी मेडिकेशन है, इंजेक्शन है, इमरजेंसीज हैं, जहाँ भी हैं जो भी चीज़ है तो एडिक्वेट क्वांटिटी में वहाँ मौजूद हो। इसके अलावा जो है कोई भी रिप्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूट है या रीयूज कोई सब्सटेंस है तो उसको किस तरह, अगर आप यूज मान लीजिए हमारे पास फैसिलिटी हम रीयूज करना चाहते हैं किसी भी यूटिलाइज किए हुए सामान को, तो उसको प्रॉपर फिर आप स्टरलाइज करें, चाहे आप इथिलीन ऑक्साइड से करें, इथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन से करें, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक मटेरियल है जैसे आप कैनुला कह रहे हैं, मास्क कह रहे हैं, या फिर प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में आप उसको स्टरलाइज करेंगे तभी वो स्टरलाइज। इक्विपमेंट जितने हैं जो मेटेलिक इक्विपमेंट हैं वो सब ऑटोक्लेव कराए जाए, जितने भी अगर हम चाहते हैं कि हम पेशेंट हमारे पास गाउन डिस्पोजेबल नहीं है, हम ऐसे गाउन बना लें तो कपड़े गाउन इसमें ज़्यादा सुटेबल नहीं है कि इसमें यूज़ किए जाएँ, वो इवन ओटी में भी कहा था कि आप कपड़े गाउन ना यूज़ करें ड्यूरिंग प्रोसीजर।
इन सब प्रोटेक्टिव मेजर्स को देखते हुए हम ओपीडी और आईपीडी को रन कर सकते हैं, और इसमें थोड़ी सी हमें, जाहिर सी बात है, हमें हिम्मत की भी जरूरत है, हमें मेहनत की भी जरूरत है, और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की भी जरूरत है। बगैर इनको मेंटेन किए हुए हम नहीं कर सकते। तो मेरा जो मोटो होना चाहिए हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर का, तो वो भी मेक श्योर दैट ईच इंडियन इज सेफ व्हेन वी आर देयर टू प्रोटेक्ट देम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें चाहिए कि हम हर इंडियन, हर सिटीजन, हर पीपल जो है वो किस तरह से सेफ हो, अगर हम वहाँ मौजूद हैं तो मेरे होते हुए उन्हें कोई परेशानी ना हो। अगर ये मोटो हमारे जहन में होगा, हर इंसान अगर डरेगा कि मैं, मेरे हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, आजकल तो मुझे लगता है कोई भी नहीं बचा होगा कि इसको, इसका इन्फेक्शन हुआ ना हो। किसी को कम वायलेंस होगा, किसी को ज्यादा वायलेंट होगा। तो और दूसरी चीज़ है कि अगर चाहे आप कितने छोटे हॉस्पिटल, कम से कम ऑक्सीजन फैसिलिटी बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन फैसिलिटी रखिए, प्रॉपर ऑक्सीजन फैसिलिटी। हम अगर आपके पास ठीक है मैनिफोल्ड गैस स्टेशन नहीं है, तो कम से कम आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखिए, 5 लीटर का, 10 लीटर का। हाई फ्लो मास्क रखिए कम से कम, हाई फ्लो। किसी मरीज को आपने एडमिट किया, इमरजेंसी आ गई, तो फौरन तो वो नहीं पहुंच जाएगा हॉस्पिटल, उसमें जाते जाते लगेगा टाइम। किसी हमारे, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें रह गई, वो चीज़ ये देखनी थी कि अगर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम में, हमारे ही एम्प्लाइज में किसी को कोविड पॉजिटिव हो गया है, कोई चीज़ हो गया, तो उसके लिए हमने क्या किया है। तो उसके लिए कम से कम हमारे कुछ एरिया को हमें फिक्स करना पड़ेगा, जो हम आइसोलेशन एरिया, या उसको हम बना देंगे कि साहब यहाँ इनको, हम पेशेंट को आइसोलेट करेंगे और इनको इस तरह से केयर प्रोवाइड करें, उसका एक प्रोटोकॉल बनाया जाए कि इसको भी हम कर सकते हैं। भाई पेशेंट है, वो चाहता है हम घर पर ना रहें, हमारे घर वाले इन्फेक्टेड हो जाएंगे, मैं यहीं रहता हूँ, तो आके यहाँ रह सकते हैं कि आसानी से। हम लोगों ने अपने कर रखा है कि हेल्थ हट्स हैं ये सब जो है। अभी कई स्टूडेंट हुए पॉजिटिव हुए, वो हेल्थ हट पे शिफ्ट कर दिया, कोई और पॉजिटिव हुआ तो वहाँ शिफ्ट हो जाओ। हमने कहा इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो स्पेशल वार्ड सारे खाली करा लिए जाएंगे। ये हम फिक्स कर देंगे कि ये सिर्फ एक अलग एरिया हो जाएगा, जहाँ सिर्फ जो है एम्प्लॉयज और स्टाफ के लिए हम उसको फिक्स कर देंगे। हाँ, अगर हमारा कोविड हॉस्पिटल है, तो कोविड हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं, उनकी ओपीडी आईपीडी, क्योंकि उनके यहाँ फिर जो है दूसरा कोई भी पेशेंट रन नहीं कर सकता, जनरल ओपीडी रन नहीं कर सकती। अगर हमने कोविड डिक्लेयर कर लिया है, तो फिर वो कोई भी कोविड हॉस्पिटल हमारा डिक्लेयर है, तो जनरल पेशेंट नहीं देखे जा सकते, कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता एक्सेप्ट कोविड पेशेंट। तो कोविड से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है वो एक जस्ट डिफरेंट प्रोटोकॉल है। हमने जो अभी यहाँ जो डिस्कस किया है, वो सिर्फ डिस्कस ये किया किस तरह से हम अपनी ओपीडी आईपीडी को रन कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है इस एरा में कि मेजोरिटी ऑफ द यूनानी हॉस्पिटल जो हैं, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में किसी का नाम नहीं लेना, क्लोज रहे हैं, साल साल भर क्लोज रहे, ना ओपीडी चली ना आईपीडी चली। कहीं ओपीडी है तो आईपीडी नहीं चल रही है, कहीं जो है लोग मरीज मारे डर के डॉक्टर खुद ही एडमिट नहीं कर रहे हैं। क्यों एडमिट करें, बिलावज आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं हम इन्फेक्टेड ना हो जाए। देखिए ऐसा है, मौत से पहले मौत नहीं आनी किसी की, मौत से पहले मौत नहीं आनी, और जब तक अल्लाह नहीं चाहे किसी को मर्ज भी नहीं हो सकता, और अल्लाह चलना चाहे तो किसी को शिफा भी नहीं हो सकती। तो हमें तो अल्लाह ताला ने जिसलिए चुना है कि आप एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर केयर का प्रोवाइडर। मुझे हो चुका कोविड में, काफ़ी सीरियस था, बहुत सीरियस था, मेरे 80 से ऊपर ऑक्सीजन सेचुरेशन आ ही नहीं रहा था, सेकेंड वेव में काफ़ी सीरियसनेस रही। लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि हम अब डर के छोड़ देंगे काम करना, काम तो करते रहे, काम वैसे ही होगा। अभी भी 4 या 5 सर्जरीज थी कल, हुई हैं, सब की गई हैं, सब हो रही है। आज भी शाम में सर्जरी पोस्टेड है, इस वक्त होनी थी लेकिन शाम में होगी। तो चीज़ें ये, हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट की हम नहीं करेंगे, हमें करना चाहिए, क्योंकि हमको अल्लाह ने इसीलिए चुना है, और इसी चीज़ का हमें रिस्क मिल रहा है। तो रिस्क को हलाल करने के लिए कोशिश करें कि हम बने हुए इंसान के काम आ सकें, और इंसान की खिदमत सबसे, खिदमत खल्क सबसे बड़ी खिदमत है। और इस वक्त हमें भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वक्त हमें मैदान में और सरहद पे जमने की जरूरत है। अगर फौजी भाग जाएगा तो मुल्क पे दूसरा मुल्क कब्जा कर लेगा, तो इसलिए इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी है। इस वक्त अगर हेल्थ प्रोवाइडर ही भाग जाएगा तो दूसरे कैसे वर्कआउट करेंगे। तो हमें बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए, बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। और भी इन सब चीज़ों में, खरीदो फरोख्त में भी गवर्नमेंट में कोई पूछने वाला नहीं, ऑडिट में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जो है कोविड के नाम पे बहुत से इमरजेंसीज में आप सामान खरीद लेते हो, तो कोविड में इसमें कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं है। बहुत सी जगह तो इसमें कोटेशन की भी नीड नहीं, आप जाइए परचेस कर लीजिए, इमरजेंसी में खरीदा गया है, हमारे नीड है इसकी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम हॉस्पिटल को रन करें, और बहुत ही स्मूथली रन किया सकता है, एक उसका प्रोटोकॉल वजह करें किस तरह से हमें करना है, किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से हमें मेंटेन रखना है, तभी हम इसको कवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मैंने बहुत सी चीज़ों को कवर किया है, लेकिन हमने जो कोविड केयर डायरेक्ट है उनको हमने स्किप कर दिया है, जो कोविड केयर चूंकि हम लोग नहीं करते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में आमतौर से कोविड केयर डायरेक्टली नहीं होता है, प्राइमरी लेवल का होता है, सिर्फ रेफरल के लिए कि अगर कोई हो गया तो उनको रेफर कर दो, बस। इससे ज़्यादा हमारा कोविड केयर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए वार्ड और बाकी चीज़ सब अलग हो जाएंगी, और ओपीडी सब क्लोज हो जाएंगे, सिर्फ एक ही ओपीडी चलेगी, फ्लू ओपीडी, फीवर ओपीडी, भाई कोई ओपीडी नहीं चलेगी। तो इन सबको देखते हैं, उम्मीद है कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बस जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें अपने तमाम इंसानों को सेफ रखने की कोशिश करनी है, इंक्लूडिंग मी, खुद को भी, खुद को भी। अगर आप वहाँ मौजूद हैं तो उनको प्रोटेक्ट करिए।
ये एक चीज हमारे मोटो होना चाहिए। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं सोचूंगा कि मैंने बहुत सी चीज इसमें सब चीज की गाइडलाइन के बारे में जिक्र किया, ये इसमें मैक्सिमम चीज इसमें मोर देन 90% चीज को हम अप्लाई अपने यहाँ कर रहे हैं। और कोई अगर उसमें देखना भी चाहे तो यहाँ के भी देख सकता है, कर सकता है। जो लोग यहाँ के हैं स्टूडेंट्स वो जानते हैं यहाँ किस तरह से वर्कआउट किया जा रहा है आईपीडी वगैरह हर चीज को। जगह जगह पे सैनिटाइजर रखे हुए आपको मिलेंगे, हर जगह यूज करते मिलेंगे, जगह जगह आपको होर्डिंग्स और बैनर्स और पोस्टर्स लगे हुए मिलेंगे, एजुकेट किया जाता हुआ मिलेगा। हर वीकली उनको ट्रेनिंग मिलेगी स्टाफ को, हैंड वॉश जिसको आता है उसको फिर करना है कि बार बार वो छूट ना जाए। तो इन सब चीजों को जब तक हम बनाएंगे नहीं, एक हमारे वो इंस्टेंट में नहीं आएगा। हमारे इंस्टेंट में बस ये आएगा भाई, आओ भाई चुपचाप भैया, धीरे से भैया दो मरीज देखो ना आए तो अच्छा ही, हमारी ओपीडी में चले जाए भैया, हम बचे रहें। तो बच कोई नहीं सकता अगर किसी कुछ होना है तो। उम्मीद है कि आप लोगों को चीजों को कुछ समझ में आई होगी, और अगर कुछ सवाल हो किसी के तो वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। किसी है कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। पहले की सवाल आए कुछ जनरल क्वेश्चंस मेरी तरफ से सर, ये है कि हमारे यहाँ जो कहते हैं कि आवाज कट गई, आवाज कट गई। सर आवाज आ रही है सर? हाँ भाई ओटी है वो बेडप्रेड नहीं है सर्जिकल, तो चूंकि सर्जिकल क्योंकि सर्जरी सर एक आवाज आपकी बहुत यहाँ पे इको है। हेलो, आवाज में बहुत इको है, वो आवाज अभी आवाज क्लियर आ रही नहीं है है। सर? आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है, इको बहुत है। आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं अपने प्रोफ हाँ से। हाँ अब सर आई आवाज जा आवाज, रही है? अब आई। सर क्योंकि आईपीडी में जो सेक्शन हमारा बटा हुआ है उसमें सर्जरी डिपार्टमेंट में भी 15 के आसपास सीट वो है आईपीडी के लिए, और हर साल हमको सीसीआई में वो देना भी पड़ता है कितना परसेंट हमारा बेड ऑक्यूपेंसी है, तो जी ओटी रन नहीं कर पा रहा है। इस हालत में भी किस तरह के ऐसे केसेस हो सकते हैं जो हम सर्जरी डिपार्टमेंट में एडमिट कर सकें फिजिकली? नहीं, सर्जरी डिपार्टमेंट में हम अगर ओटी चला रहे हैं तो हम सारे एडमिट कर सकते हैं। ओटी नहीं चला रहे हैं, मान लीजिए ओटी नहीं भी चल रही है, तो फिजिकली देखिए ऐसा है कि ये हम नॉन हीलिंग अल्सर केस हैं जो एम्पुटेशन के बहुत करीब है, उनको हम एडमिट कर सकते हैं। इसी तरह से हम पाइल्स के पेशेंट, फिशर के बहुत पेनफुल आते हैं, इन्फ्लेमेटरी पाइल मास है, इन्फ्लेमेटरी पाइल मास है, उसको बहुत ही पेनफुल कंडीशन लेके आ गया, फौरन ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता है, उसको हम एडमिट कर सकते हैं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस का केस आ गया, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का केस आ गया, हम एडमिट कर सकते हैं, ऑपरेट नहीं करना है अभी फौरन, उसको हम एडमिट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम एडमिट कर सकते हैं विदाउट ओटी, अगर ओटी नहीं चल रही जब भी। यूनानी के जो खालिज केसेस हैं सर, इस दौरान तो ज्यादातर हो सके कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो बचना ही चाहिए आईपीडी की। हाँ, कोशिश ये करें कि बचें, लेकिन अगर कोई पेशेंट एडमिट होना चाहता है, बहुत से पेशेंट का केयर हम खुद कर सकते हैं, तो अगर हम कर सकते हैं तो हम उसके लिए प्रोटोकॉल ये अपना है कि आरटीपीसीआर मस्ट टू डू करें, कि जो यस पेशेंट आया उसका आरटीपीसीआर मस्ट टू डू है, अगर अटेंडर है तो उसका भी आरटीपीसीआर हो या फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आफ्टर 15 डेज कंप्लीट हो चुका हो। टेस्ट के लिए तो सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो इदारा हो आसपास आपके एरिया में वहां से तो परमिशन भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना उनके परमिशन से नहीं टेस्ट रिपोर्ट आप नहीं दे सकते हैं। नहीं नहीं आरटीपीसीआर तो हमारा ये होता है कि हम लोग एडवाइज करते हैं एडमिशन आफ्टर आरटीपीसीआर कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट। अब वो कहीं से भी कराए, क्योंकि हमारे नहीं, हमारे में आरटीपीसीआर नहीं होता, लेकिन मैंने कल से स्टार्ट कर दिया अपने आरटीपीसीआर पीएससी को यहीं लाके बैठा दिया है कि आप यहीं आरटीपीसीआर के, लेकिन अभी तक नहीं था हमारे यहाँ, तो पेशेंट बाहर से करा के लाता है, प्राइवेट से कराए, गवर्नमेंट से कराए, फ्री में कराए, कैसे भी कराए, हमें रिपोर्ट चाहिए निगेटिव भी विदिन 72 आवर्स, वही प्रिंटेड चाहिए। एंटीजन कर सकते हैं, हाँ टेस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली नॉर्मली आप लोग जो रन कर, अपना ओपीडी और आईपीडी उसमें कितना आपने रिडक्शन किया है पेशेंट्स का? हमने पेशेंट लगभग 50% की, 50% ज्यादा एडमिशन है, 180 बेड है, तो हमारा ये है कि 90 से ऊपर ना जाए पेशेंट, जी 90 से वाले, ऊपर ना पेशेंट जाए, और कोशिश है करें कि उसमें से कम एडमिट करें, 90 भी ना हो। अच्छा जैसे हमारे सर्जिकल केस है ऑपरेशन के लिए, नॉर्मल ऑपरेशन हर्निया के लिए आ जाओ, चलो एडमिट हो जाओ, कर लेंगे। पेशेंट के साथ पड़े हुए थे, मेरा नंबर आसानी से लग रहा है आजकल, मरीज नहीं, मेरा जल्दी कर दो, तो चलो भाई कर दें, अभी आ जाए, अपेंडिकुलर एब्सेस का है, लगा हुआ है, चलो भाई शाम में कर देंगे, ठीक है। कल था एक एनास्टोमोसिस का था, जे एनास्टोमोसिस सीए का था, वो कल हो गया, शाम में हो गया, तो भाई शाम सुबह रात जब कोई केस मिला किया निकल गए। अभी एब्सेस का आया, आ जाए पेरिनल एब्सेस का, तो उसको हमने एडमिट नहीं किया, बल्कि ओपीडी बेसिस पे वहीं निकल लगा के वहीं कर दिया, मैं तुम घर जाओ, एडमिट ही मत हो।
और इन केस सर हमारी स्क्रीनिंग को कोई स्किप कर जाए और विद इन प्रोसेस ऑफ आईपीडी उसमें अगर वो पता चले कि वो कोविड पॉजिटिव है तो किस तरह से हमको प्रोसीजर्स लेने चाहिए? फिर आपको वो एरिया पूरा सैनिटाइज करना पड़ेगा, उसको पूरा रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा उस एरिया को। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। बहुत अच्छा सवाल था ये कि अगर मान लिया आपकी एक ओपीडी आईपीडी में चार लोग एडमिट हैं और चार में से एक पॉजिटिव आ गया या वहाँ का स्टाफ पॉजिटिव आ गया जो वर्किंग स्टाफ था, तो उस वक्त हमें सारे पेशेंट को जो है वो ये करना होगा कि उनको बकायदा स्क्रीन करना होगा या करवाना होगा, और उसके बाद अगर वो ऐसा है तो फिर भी उनको आइसोलेशन में अलग रख देना होगा, पूरा रूम आइसोलेट कर देना होगा, पूरा रूम उस कोई रूम को ऐसा कोई ना मरीज कोई एडमिट होगा ना कोई बाहर जाएगा एटलीस्ट 7 डेज। ओके, उन्हें खाना वगैरह जो भी है उनके घर वाले प्रोवाइड करें, जैसे भी होता हो, जिस हॉस्पिटल का अलग अलग सबका अपना वो है तरीका है, उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई करें, अदरवाइज वो मूवमेंट नहीं कर सकते। फिर इवन अगर वो सिस्टर भी है तो सिस्टर को भी वहीं आइसोलेट करना होगा। होम आइसोलेशन कर सकती है सिस्टर, लेकिन वो उसको विल देना होगा कि हम होम आइसोलेट करें। ओके सर, जैसे आपने जिक्र किया सैनिटाइजेशन का, इंडोर सैनिटाइजेशन ओपीडी के एरिया में, आईपीडी में जो कंसल्टेंट्स हैं उनके चैम्बर, फिर या फिर जो जो भी प्रेमिसेस आ रहा है आपको हॉस्पिटल में, तो अभी हमने देखा कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक जो बहुत सारी ऐसी धूनी देने का रिसर्च उसमें आया है आयुर्वेदा में, अपने यहाँ या अपने इंस्टीट्यूट में किसी इस तरह की कोई पहल हो रही है? नहीं, हमारे यहाँ भी इस चीज़ की कोई पहल अभी तक तो नहीं हुई है, और चूंकि जो भी चीज़ अभी आयुर्वेदा में भी आ रही है कहीं भी आ रही है इसका वैलिडेशन नहीं है अभी, ये सिर्फ एक जनरल फेज में कि हमने ये किया है और ऐसा किया जाना चाहिए, ट्रायल में है, तो जब तक वैलिडेशन ना हो तो तब तक वैलिडेटेड मटेरियल का ही यूज किया जाए, और जो अभी तक यूज हो रहा है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जा रहा है। क्योंकि सर बहुत अच्छा इन्फेक्शन कंट्रोल है आपके ओटी में, पूरे प्रोमिसिस में, तो क्या स्टडी हम लोग नहीं बेहतर है कि हम लोग कर भी लें कि पेट्री डिश में चीजें रखते नहीं? ये तो देखिए, ये तो ये चीजें जो है वो होती है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन को पास बहुत से सोल्यूशंस आते हैं, मैं उसको बहुत सारे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, तो वो सोल्यूशंस होते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता है वो अलग। अब जैसे हमने प्रोटोकॉल जैसे शुरू से स्टार्ट कर दिया कि यहाँ अर्क अजीब हम सबको बांटते हैं इन जनरल, जैसे हम यहाँ सबको यह खमीर मरवारी इन जनरल सबको बांट रहे हैं इन जनरल खमीर मरवारी, अभी जो है नुस्खे वबाई क्या नाम है नजल वबाइया का नुस्खा है वो स्टार्ट कर दिया है वो भी, तो ये एक चीज़ चल रही है, ये भी चीज़ साथ हो रही है, लेकिन अब जो है कल को कोई कहते हैं कि गोनाइल का इस्तेमाल करो फिनाइल की जगह, तो अभी गोनाइल की वो चीज़ वैलिडिटी नहीं आई है, तो उसी तरह से इसकी भी जो वैलिडिटी है ना कि वो धुनी, अब जैसे हमारे लोबान है या बहुत चीज़ों की धुनी पहले भी दी जाती थी और आज भी है, बहुत से जो मटेरियल हैं जिनकी धुनी दी जाती थी, अब हाँ दे जाके उसको अगर टेस्ट किया जाए एरोसॉल लेवल पर तभी पता लगेगा कि ये इसमें वर्क कर रहा नहीं कर रहा है। अब हमें एरोसॉल देखने के लिए कैमरे ही नहीं है हमारे पास, चेक कहाँ से करेंगे? एरोसॉल देखने का जो कैमरा है वो बहुत ही कॉस्टली कैमराज हैं, अब वो चूंकि कोई डिपार्टमेंट इसमें वर्कआउट करे है क्या, इसमें तरीका क्या है कि जैसे जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जैसे आप ही गए टी एस टी डिपार्टमेंट का एक बड़ा रोल था, और टी एस टी डिपार्टमेंट सबसे पीछे हो गया, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही पीछे है बिल्कुल टी एस टी डिपार्टमेंट। कोविड में उस सब ने छुट्टी मांग ली, मैं तो बस मुझे कोविड हो जाएगा, इवन कोविड में अभी तक हमने एक दिन की छुट्टी नहीं ली, सिर्फ जितने दिन मैं बीमार रहा हूँ हॉस्पिटल में सिर्फ उतने दिन मैं एडमिट था उतने दिन मैंने छुट्टी ली है, वरना मेरी कोई छुट्टी नहीं है पूरा कोविड जब से आया है आज तक, कोई संडे नहीं कोई मंडे नहीं कोई छुट्टी नहीं, हॉस्पिटल में रहे वर्कआउट किया लोगों को बगैर घबराहट से दूर के, जब फर्स्ट वेव आई थी बड़ा पैनिक था, सेकंड वेव में थोड़ा कम हुआ, थर्ड वेव में अब तो लोग सोच रहे हैं मास्क वास्क बेकार की चीज निकाल के फेंको, लेकिन प्रिवेंशन में सिर्फ एक ही चीज मेरे समझ आती है, नोज माउथ और हैंड्स, अगर इनको आप प्रोटेक्ट कर लेंगे तो आप प्रोटेक्टेड हैं, सबसे अहम चीज मास्क है और हैंड है, अगर मास्क से आपने नोज और माउथ को ओपन न होने दीजिए और हैंड को क्लीन रखिए, जरूरी नहीं है सैनिटाइजर यूज करिए, बेस्ट है सोप, घटिया से घटिया सोप, सबसे बढ़िया सोप लाइफ बॉय, धुलिए हाथ कोई दिक्कत नहीं सबसे बढ़िया, लेकिन प्रॉपर तरीके से धुलिए। तो जहां तक इसके बाद धोने की बात आपके पास सब सही है, रिसर्च में हम लोग वर्कआउट करना चाहिए, हमने यहाँ रिसर्चेज हुई हैं, रिसर्च हुई है अभी कंडक्ट हुई है मेरे ख्याल तकरीबन 15-20 हज़ार पेशेंट्स पर, कुछ ड्रग्स पर ही हुई है, उसका एक आउटकम आया पब्लिश के लिए गया हुआ है वो सब, तो वो चीज अलग है लेकिन काम तो होना चाहिए। ये तो है कि हर लेवल पे आप अपने कर सकते हैं, अपने लेवल पे कर सकते हैं, उसका इफेक्ट देख सकते हैं, अपनी दवाओं का इफेक्ट देख सकते हैं, वो सब अच्छी चीज है, करना चाहिए। सर बहुत सारा जिक्र हमारे यहाँ, चूंकि हम लोग यूनानी इंस्टीट्यूशन से हैं और NIM हमारे लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस है यूनानी का, तो हिमसे मातकदम की बहुत सारी बातें, और एक तो रिसर्च भी CD4 काउंट बढ़ाने के लिए त्रिया के वबाई पे हुआ NIM में पहले, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो तो एक अलग अपनी जगह है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के 4-5 गाइडलाइंस आए कि प्री कोविड में, कोविड लाइक सिम्टम्स में, माइल्ड कोविड में, होम आइसोलेशन में,
एनआईएम में इन चीजों पे या फिर ओपीडी एरिया में किस तरह की दवाएं, किस तरह के प्रोटोकॉल यूनानी वाले फॉलो हो रहे हैं? देखिए ऐसा है कि वो यूनानी वाले से बताया तो आपको यही दवाएं, सिर्फ नज़ले वबाई का नुस्खा ये जनरल तौर पे दिया जा रहा है, और ये दिया जा रहा है खमीर मरवाई दर कैची जो जनरल है सभी को दिया जा रहा है, कुछ नहीं। लेकिन जो प्रोटोकॉल वजह करना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये मैं कहूँगा बिल्कुल फ्रेंकली कहूँगा नहीं हुआ। प्रोटोकॉल ये वजह होना चाहिए, जो कोविड गाइडलाइंस हमारी आनी चाहिए थी, यूनानी गाइडलाइंस, कोविड गाइडलाइंस, हमारी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, ट्रीटमेंट तो कोई है नहीं, कम से कम एक एसओपीज आनी चाहिए थी हमारी, ये हमारी कोविड एसओपीज क्या है, किस तरह से हम प्रोटोकॉल को अपनाएंगे, हम अपनी चीज़ों को किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे, वो तो अभी तक कहीं दिखा नहीं है। वो तो सिर्फ बस ये कि ऑन पेपर हो या कहीं मीटिंगों में हो, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। तो हॉस्पिटल बेस्ड सर, चूंकि आपको एनएबीएच है पूरा, आपका हॉस्पिटल भी, और हम लोग इस तरह से देखते भी हैं कि हमारा सेंट्रल एक इदारा है जहां से प्रोटोकॉल आनी चाहिए, कम से कम अब भी थर्ड वेव से हम गुजर रहे हैं, हम क्या कनेक्ट करके इस तरह चीजों को डाटा इकट्ठा भी कर लें, अगर जितने हॉस्पिटल्स हैं तो बहुत सारी चीजें हम समअप कर लेंगे हम इससे रिलेटेड। नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी हुई भी, और हमने तो एक साहब का था, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको मैंने कनेक्ट कराया भी, एक बखतर नोडल ऑफिसर जो कोविड के थे, जो कि मेरे जानने वाले थे, वो उस वक्त यहाँ जो पैलेस ग्राउंड आप शायद जानते हो, बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो पूरा कोविड सेंटर बना दिया गया था, आइसोलेशन एरिया बना दिया गया था, तो उनको कुछ पेशेंट चाहिए थे, तो हमने पेशेंट वहाँ मिल जाएंगे, मैं बात कर लेता हूँ, बात कर ली, पेशेंट की बात भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आखिर में वो रिसर्च वापस चली गई, नहीं बता डिटेल तो मैं नहीं कह सकता कुछ। चले, और भी कोई पार्टिसिपेंट से कोई क्वेश्चन है तो आप सर से पूछ लें। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, कौन निजाम? जी 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 सर। हां निजाम बताओ। सर हमारे यहाँ जो ये इलाज भी तदवीर में जो छोटे मोटे प्रोसीजर होते हैं डेली ओपीडी में, जैसे कि हिजामा वगैरह होता है, तो वेट कपिंग के लिए तो सर प्रॉपर स्टरलाइजेशन की जरूरत है, लेकिन ड्राई कपिंग के लिए तो अभी किस तरह से सर, जैसे कि जो कप्स वगैरह है तो उसको हम स्प्रिट वगैरह से क्लीन करके ये कर सकते हैं, और जो लाइनन है जिसमें पेशेंट को लेटाते हैं उसको हर पेशेंट के लिए अलग अलग चाहिए, या फिर जो एक पेशेंट को किया ड्राई कपिंग किया तो फिर दूसरे पेशेंट के लिए उसको चेंज करना है, या उसको बस किस तरह से करना है सर? देखिए ऐसा है कि एक होता है आइडियल प्रोटोकॉल, एक होता है काम चलाना, दोनों में बहुत फर्क है। आइडियल प्रोटोकॉल तो ये है कि हर पेशेंट के लिए हर चीज सेपरेट होनी चाहिए, हर पेशेंट के लिए, ये क्योंकि ये पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो आप बता रहे हैं, सारे सारे पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। तो अब ड्राई में अगर ड्राई कर रहे हैं तो ड्राई में तो कहीं बैठाल के भी कर लेते हैं, कि पेशेंट बैठा हुआ है कर रहे हैं, किसी को लिटाल के भी करते हैं, हर तरीके से करते हैं। कप का जो स्टरलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसी कप को डिफरेंट पेशेंट पर लगा देते हैं, खाली स्प्रिट लगाने से कप स्टरलाइज नहीं होता, खाली स्प्रिट लगाने से कप स्टरलाइज नहीं होता। आप अगर प्रोटोकॉल अपना रहे हैं तो इसको बॉयल नहीं करना है, कप जितने भी हैं, या तो आप ये होते हैं यूज एंड थ्रो, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज करने के लिए आपको इथिलीन ऑक्साइड डिस्टिलेशन में जाना पड़ेगा या प्लाज्मा डिस्टिलेशन में जाना पड़ेगा, तभी वो स्टरलाइज होंगे। अगर आपको वो यूनिट है तो आप उसको स्टरलाइज करके रीयूज कर सकते हैं, अदरवाइज रीयूज कर रहे हैं जब तक बचे हुए हैं, जब तक बचे हुए हैं, जिस दिन किसी मरीज को प्रॉब्लम है उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। और वेट में चूंकि हम लोग क्या करते हैं, वेट को भी खाली धुल के और उसमें स्प्रिट लगा के रख लेते हैं वेट करके भी, वो भी स्टरलाइज नहीं होता, तो पेशेंट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं डिजीज वेट अगर हम कर रहे हैं, और इजीली ट्रांसफर होती है डिजीज, लेकिन हम नहीं जानते और हम करते नहीं है, क्योंकि हम प्रॉपर जो एसेप्टिक प्रिकॉशन है वो नहीं लेते ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑल ओवर द यूनानी वर्ल्ड, कहीं भी चले जाइए। हमने इस बार यहाँ ओटी बनवाई है, उसमें माइनर ओटी अभी रिनोवेशन चल रहा था, मैंने काफी उसमें करके हमने कहा नहीं माइनर ओटी होनी चाहिए, एक माइनर ओटी बनाइए, जितने प्रोसीजर्स हैं उन प्रोसीजर्स को वो इस तरह से करिए कि पूरे फुल्ली एसेप्टिक प्रिकॉशन लेने की बात किया जाए। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि सर आपने कहा कि मास्क के बारे में, सर एक्चुअली मास्क के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन ये है कि क्वेश्चन आता है कि मास्क में जो पोर साइज होता है सर वो माइक्रोन में होता है, जबकि वायरस का जो साइज है वो नैनोमीटर में, नैनोमाइक्रोन में, तो सर इसमें क्या मतलब जो है क्या प्रोटेक्शन मतलब मास्क से उतनी हो जाती है सर? देखिए आपकी बात समझ गया, देखिए आपने नाम सुना होगा N95 मास्क, 3 ply मास्क, 2 ply मास्क, N99 मास्क, N90 मास्क, N100 मास्क, तो एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ मास्क जो है मार्केट में अवेलेबल है, और अकॉर्डिंग टू कॉस्ट भी सबकी बड़ी वेरी करती है, और मास्क का एक्चुअल तरीका यह है कि आप यूज करें और थ्रो कर दें, यूज करें थ्रो करते हैं, हम लोग उसको धुल धुल के धूप में सुखा सुखा के और रगड़ रगड़ के फिर यूज कर लेते हैं,
तो वो तो एक इंडियन सिनेरियो में बहुत डिफरेंट थे। और जहां तक इनको बात की प्रोटेक्शन की, मास्क से कितना प्रोटेक्शन होता है, तो देखिए ऐसा है, मास्क से कोई 100% प्रोटेक्शन नहीं होता, मास्क से कोई 100% प्रोटेक्शन नहीं होता। N95 का मतलब कि आप 5% ससेप्टेबल हैं, N90 मतलब 10% ससेप्टेबल हैं, N100 लिख के आता, लेकिन N100 कोई नहीं होता, वो 99 कहलाता है, तो उसमें भी 1% ससेप्टेबल है। दैट मीन 100% श्योरिटी कहीं से नहीं मिलती। और जो आजकल यूज करते हैं हम 3-ply mask, 2-ply mask, 2-ply mask तो हमको ओटीज वगैरह में यूज होते हैं, और 3-ply mask जो है वो 3-ply mask आमतौर से यूज होते हैं। ये 3 protection layer होती है, तो 3 protection layer को माना जाता है कि 3 junction में रुक जाता है बस, लेकिन प्रोटेक्शन कहीं नहीं है। आप ये समझे 100% प्रोटेक्शन है, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और भी कोई सवाल अगर करना हो आप लोगों से तो प्लीज सर अवेलेबल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर इसलिए भी ज़रूरी था कि खासकर जो कंडीशन NIM की थी वो कंडीशन यहाँ भी थी कि एक दिन के लिए भी OPD गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि OPD बंद नहीं करेंगे हम, ऐसी कंडीशन में अगर हम हॉस्पिटल ही बंद कर देंगे तो पेशेंट का कभी भी उठ जाएगा सिस्टम से। तो ये डायरेक्ट प्रधान सचिव का ऑर्डर था कि एक दिन भी OPD हमारी बंद नहीं होगी। शुरू में फर्स्ट वेव जब आया था उसमें कुछ दिन के लिए IPD बंद हुई थी, इंस्ट्रक्शन था कि कोई मूव नहीं कर पाता, उसकी वजह ये थी कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उसमें, तो कोई पहुंच भी नहीं सकता था, इस वजह से थोड़ा सा हैवॉक कंडीशन थी उस वक्त। तो वो कंडीशन यहाँ पर इसलिए मैंने जरूरी समझा कि हम लोगों ने कि इस पे बात करें, और वो भी वहाँ से जो एक बेहतर सेंटर है और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मॉडल के तौर पर कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। कुछ सवाल आपका? ओके नहीं, तो मैं अब इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं और सुपरिटेंडेंट साहब हैं प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि सर का वोट ऑफ थैंक्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया शाह आलम साहब, आप जो है पहले भी आकर जो है यहाँ काफ़ी जो है इंफॉर्मेटिव जो है ना मैप के बारे में जो है कर चुके थे, वैसे भी आपका इस कॉलेज से काफ़ी आपके स्टूडेंट काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और सब जो है NIM का ही देते। तो ये रहा कि जो है ना आपने जो है ना ख़ास तौर से हम लोग इसलिए आपसे ये दरखास्त की थी कि IPD OPD के बारे में, चूँकि एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है और जो है कोविड में इसका बहुत बड़ा रोल है, तो आपने जो है ना OPD IPD के बारे में जो है रख रखाव और जो है COVID-19 से प्रोटेक्शन और प्रोटोकॉल के साथ साथ कुछ यूनानी का भी जो है साथ साथ जो है बताया कि ये चीज़ें हैं, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रोटोकॉल से अपना काम करें, और जैसा कि जो है अर्कैरजी और ये सब यहाँ भी हम लोग जो है इस काम को कर रहे हैं, कुछ काढ़ा भी बनाकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मुलेट है उसको भी ये करके कर रहे हैं। तो ये है कि आप लोग चूंकि पुराना जो है इंस्टीट्यूट ऐसा है कि जो है ना अभी हिंदुस्तान में एक अपना आपने एक अपना मुकाम बनाया हुआ है, तो हम लोग गाइड लेते रहेंगे और इंशाल्लाह जो है ना फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर फिर से, बहुत शॉर्ट टाइम स्पेंड में आपने इसके लिए जो कंसेंट दिया, लोगों को पता नहीं कि तबीयत भी ठीक नहीं आपकी, उसके बाद भी आपने कंसेंट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की तरफ से। इंशाल्लाह फिर आप सभी के लिए।